हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो ये है अर्ली मॉर्निंग। मैं 4 बजे उठ गई थी और अब मैं खा रही हूँ सरगी। तो इस बार का जो करवा चौथ है ना, बहुत अलग है। मतलब अच्छा ही नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब हम लोग सब लोग साथ रहते थे ना, सारी बहुएं और मतलब दोनों सासू माँ, मतलब सब लोग, बच्चे बच्चे सब लोग, तो त्योहार त्योहार लगते थे। और इस बार मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया, लेकिन खुशी तो होती है क्योंकि देखो अपने सुहाग की ये होते हैं व्रत वगैरह। बाकी फ्रेंड्स देखो, अच्छा तो लगता है सबके साथ, बाकी एफर्ट दोनों तरफ से होने चाहिए। एक तरफ से कभी भी एफर्ट नहीं चलते तो हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। तो हैप्पी करवा चौथ सबको। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा काम तो हो गया। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया है और झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और लाइट चली गई है यार, मैं सोच रही थी अभी फ्री टाइम है, रील्स बना लूँगी। वैसे लाइट जाती नहीं, आज लाइट चली गई है। दिखा देती हूँ, लाइट चली गई है। और आज का मेरा अभी मॉर्निंग का लुक ये है। मैंने अभी ये सूट पहना है और मेहंदी काफ़ी डार्क लगी है। मेहंदी काफ़ी डार्क लगी है, बस मुझे वेट है लाइट आने का। मैं एक बार प्रॉपर आपको लुक दिखाती हूँ अपना। अभी तो बस ऐसे ही किया है। ये है मेरा प्रॉपर लुक। और शाम को पहनेंगे साड़ी या फिर लहंगा या फिर सूट, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। जो मन करेगा मैं वो पहन लूंगी। मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी। मैं लेट गई थी फ्रेंड्स, तो ना सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई है आज, स्पेशली आज के दिन। मतलब वैसे कभी नहीं जाएगी लाइट, लेकिन आज मैं रेडी शेडी होके मैंने सोचा चलो इस वाले सूट में रील्स बना लेंगे। फिर तो दोपहर में रेडी होना है शाम के लिए, मतलब कथा वगैरह जब करेंगे। लेकिन लाइट ही चली गई। लाइट नहीं चली तो वाईफाई नहीं चल रहा, और टाइम पास के लिए टीवी नहीं चल रहा। तो ये था कुछ सीन। और अब 2 बजे लाइट आएगी। अभी फिलहाल शायद 1:15 हो रहा है, 1 बज गया है, ऐसा है। और सबको, जो भी मेरी फैमिली वाले हैं, मेरी मतलब जितनी भी जॉइंट फैमिली के सब लोग हैं, सबको मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सच बता रही हूँ, जो साथ में रह के त्योहारों का मज़ा था ना, वो अकेले रह के बिल्कुल भी नहीं है। वो मतलब अगर लाइट भी चली जाती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम आपस में ही बात करके टाइम पास अच्छे से हो जाता था, ऊपर नीचे। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं सब लोगों को, वो जॉइंट फैमिली यार। बट वो तो अब नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बस उन लोगों को मिस कर रही हूँ मैं। तो अब हो गई थी मैं रेडी। हर बार लहंगा पहनती हूँ, इस बार साड़ी पहनी है। फ्रेंड्स ये है आज का मेरा लुक। आज मैंने पहनी है ये साड़ी। मुझे ना संभालने नहीं आती है ये वाली साड़ियाँ जो होती है ना, बट इसमें लुक बहुत अच्छा आता है। एक सेकंड, मैं पूरी अच्छे से प्रॉपर तरीके से ले लेती हूँ। तो ये है आज का मेरा लुक, इस तरीके से कुछ आज का। और मैंने जूड़ा भी बना रखा है, ये देखो। तो ये है पूरा प्रॉपर, ये देखो इस तरीके से है। और आगे भी होंगी चाय वगैरह, पानी वानी मैंने ले लिया है, चाय पानी वानी मैंने ले लिया है। और अब हम चाय पियेंगे। टीका मैंने अभी हटा दिया, मैंने एक दो रील बनाई है ना, तो मैंने टीका हटा दिया, ये सब हटा दिया मैंने। बहुत उलझन सी हो रही है मुझे। तो ये है आज का मेरा मतलब बंगाली टाइप का लुक हो गया है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत प्यार लग रहा है। पति देव कैसा लग रहा है लुक? बढ़िया लग रहा है ना? आप देखो अच्छा लग रहा है। पता लग रही है ना? नहीं मैं ऐसे बाल वाला, ठीक है
या पहले से ही नहीं बाल बाल वाल और वो सिंदूर है ना अच्छा लग रहा है पति देव को लड्डू काना लड्डू काना लड्डू काना तो फ्रेंड्स हमारी शाम की पूजा हो गई है। मैंने ना चेंज कर लिया है, मैं एक दो रील वगैरह बना रही थी और मैंने ये लहंगा भी ना न्यू ही खरीदा था, मैंने पहना नहीं था, एक बार बस इसमें रील ही बनाई थी। तो साड़ी मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रही, सिल्क की साड़ी है ना तो रुकती नहीं है, तो ये मेरा लहंगे का लुक है। मैं इसमें प्यारी प्यारी रील्स बना रही थी। अभी शाम की जो पूजा होती है ना वो हो गई है और जो सासू माँ को देना होता है वो भी मैं देकर आ गई हूँ। अब बस इंतज़ार है चांद निकलने का, चांद निकलेगा तब हम पानी पियेंगे, अपना पास खोलेंगे। तो ये है आज का ब्लॉग। और है ना मैं फ़ोन चार्ज नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं किचन में खड़ी होकर बात कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन लगा रखा है चार्जिंग पे। तो बने रहना आज के छोटू से ब्लॉग में आप लोग, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स फाइनली निकल गया है चांद, चंदा मामा आ गए हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव का। पीछे इग्नोर करना, आज आपको ऐसे ही मिलेगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव का कि वो आए और मैं मतलब चलवल चढ़ाऊँ उनको देखकर। तो इसीलिए मैं इनका वेट कर रही हूँ, वो बाहर गए हुए थे और मैंने इनको फ़ोन कर दिया कि आ जाओ चांद निकल गया है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है अभी आता हूँ, तो इसीलिए मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर ऊपर चलेंगे छत पर और देखेंगे चंदा मामा चलाएँगे जल। तो आज का लुक कैसा लगा आप लोगों को? ये मैंने ना चुन्नी है ये मेरी जो वो बोलते हैं ना इसको, मतलब जब बच्चा होता है छुचक में चढ़ाते हैं तो वो है ये, बहुत हैवी है बहुत भारी है। तो मैंने लहंगे पे यही ले लिया, रेड कलर है। तो अब चलते हैं ऊपर और अब हम आ गए हैं छत पर। तो चांद छत पे से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो चलो अब हम कर लेते हैं अपनी पूजा वगैरह। चले चलो उधर है ना चांद तो। हाँ हो गया भाई, 2 मिनट के लिए वही देख रहा हूँ मैं। चलो फ्रेंड्स अब हम खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, या फिर खाना दिखाऊंगी कि खाने में हम क्या खा रहे हैं। बाहर मेरे बस की नहीं था जाना बिल्कुल भी, तो बाहर का मंगा लिया, घर पर ही खाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो घर पर तो मैंने आलू गोभी खीर और पूड़ी बनाई थी जो बनता है पूजा का, और बाहर से मंगाई थी ये मलाई चाप और रुमाली रोटी सैलेड वगैरह। तो ये इनफ था, आलू गोभी पूड़ी और ये चाप रोटी ये सब बहुत था और इतना तो खाया भी नहीं जाता। यहाँ पर फास्ट वगैरह खुल गया है, हम लोगों ने खाना खा लिया है अपना। तो पतिदेव कैसा रहा इस बार का करवा चौथ? नॉर्मल। क्यों वैसे नॉर्मल क्यों? भीड़ भाड़ नहीं है ना, मतलब घर के लोग नहीं है। तो इनका कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हम लोग इससे पहले जॉइंट फैमिली रहती थी ना, तो हमारे ही घर में हमें तो किसी पड़ोसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे ही घर में इतना रौनक इतना हल्ला गुल्ला सब रहता था, पीछे इग्नोर करना, आज तो भाई कपड़े वपड़े सब फैले पड़े हैं, ठीक है? तो हमारे घर में इतना इतनी रौनक इतना हल्ला गुल्ला रहता था ना, तो आज थोड़ा सा वो लग रहा था अजीब, क्योंकि पहले तो हुआ रहना है कि अलग अलग सब लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ है और इसीलिए ये भी इसलिए भी था। और मैं ये सुनो, मैं कैसी लग रही थी? मैं कैसी लग रही थी? सुंदर। बस बस और भी तो बताओ। अच्छी लग रही। अभी तो मैंने सब कुछ उतार दिया, वैसे मैं कैसी लग रही थी? ठीक लग रही थी। हाँ। बस ठीक नहीं, फर्स्ट लुक अच्छा था या सेकंड लुक अच्छा था? ये वाला लुक सही था, जो सेकंड वाला साड़ी वाला वो फर्स्ट लुक था सुबह। फर्स्ट मैं था वो फर्स्ट तो वो भी तो था ना जो तुमने दूसरा पहना था सुबह, वो अच्छा थर्ड लुक हो गया ये। हाँ। सही बात है। तो पता है देखो मैं बताती हूँ, गिफ्ट में ये होता है ना कि गिफ्ट गिफ्ट, भाई इतनी महंगी साड़ी सूट, मतलब 2-3 सूट साड़ी मेकअप और वो भी ऐसा नहीं कलर बार का, तो मतलब 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। वो चीज़ें हैं और बाकी
कोई स्पेशल गोल्ड की चीज़ दे, तो गोल्ड मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मुझे गोल्ड की इतनी ज़रूरत, मुझे शौक भी नहीं है गोल्ड का ना, मुझे बस कपड़ों का शौक है। तो कपड़े देखो, ये लहंगा है ना, ये मैंने पहना नहीं था, ये लिया था मैंने भाई के फंक्शन के लिए, तो मैंने पहना नहीं था, बस एक दो बार रील बनाई होगी, तो ये भी न्यू का न्यू लहंगा रखा हुआ था, ठीक है। और जो आज साड़ी मैंने पहनी थी वो भी न्यू दिलाई है, उससे पहले जो सुबह मैंने सूट पहना था वो भी न्यू है, और एक और सूट है वो भी न्यू है। तो बहुत सारे मैंने कपड़े खरीदे और मेकअप खरीदा, और मतलब छोटू मोटू जो होता है ना बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो वही मान लो, या तो आप एक ही बारी में 10-20 हज़ार रुपये कैश दे दो, या फिर आपको जो 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 चाहिए आपको वो मिलता रहे। तो भाई मैं अगर पैसे मिलते तब भी मैं यही चीज़ें खरीदती, तो इसीलिए बल्कि उससे ज़्यादा ही मैंने खर्च कर लिया, मतलब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो थैंक यू पतिदेव, तो मैंने पतिदेव को थैंक यू बोल दिया। अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर, और मेरी देखो मेहंदी बहुत डार्क लगी है, बहुत ज़्यादा, तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर।